हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 7 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले जो जितने भी चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस चैप्टर के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, तो आपको इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर भी जाकर टाइप कर सकते हैं कि साइंस क्लास 10 चैप्टर में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 डाल के बाय प्रगति क्लास करेंगे, तो आपको सभी चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन आज से मिल जाएंगे। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आपको वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप उनके भी क्वेश्चन को जरूर देख लें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में कभी ना कभी जरूर पूछे गए हैं। तो हम देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द नीड फॉर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत होती है। तो इसका आंसर है कि एन ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट ऑर्गन विच परफॉर्म वेरियस फंक्शन, कि जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अलग अलग ऑर्गन होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, जैसे हार्ट के अलग फंक्शन होते हैं, किडनी के अलग फंक्शन होते हैं, लीवर के अलग फंक्शन होते हैं, ओके। तो इनमें कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव करना चाहेगा तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन इंटीग्रल एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन, तो इन्हीं ऑर्गन के जितने भी कोऑर्डिनेशन पर ही आपके कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है। तो जितने आपके नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं एक मशीन की तरह, और ये हमारे क्या करते हैं, अकम्प्लीस होम्योस्टेसिस और कोऑर्डिनेशन। तो इसलिए हमारे ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी होता है, ओके। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में आपको डिफरेंस बताना है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले दो बॉक्स बनाने हैं, और एक तरफ आपको लिख लेना है इनवॉलेंट्री एक्शन और एक तरफ लिख लेना है आपको रिफ्लेक्स एक्शन। तब इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं कि इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनवॉलेंट्री एक्शन की, तो इट इज़ ए सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव कंट्रोल। तो ये इस तरह के हमारे मूवमेंट होते हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। एक्शन आर कंट्रोल बाय ब्रेन, ये जितने आपके एक्शन होते हैं ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ आर डाइजेस्टिव ट्रैक ब्रीथिंग ऑफ हार्ट, तो ये जो आपके अगर बात करेंगे जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं जब उसके जो मसल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका जो कंट्रोल है वो ब्रेन के पास होता है। और बीटिंग ऑफ हार्ट, कि जब वो हार्ट की जो बीटिंग होती है वो भी आपके क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ओके। तो इसमें आपको एग्जांपल हमने देख लिया। उसके रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, फास्ट होती है, स्पॉन्टेनियस होती है और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स स्टिमुलस, जो कि एक स्टिमुलस को प्रोड्यूस करती है। और जो कंट्रोल किया जाता है ये स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे रिमूवल ऑफ हैंड विद जर्क व्हेन समवन टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, कि अगर हम कभी भी किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तो क्या होता है कि अपने आप ही अपना हमारा जो हाथ होता है वो दूर हट जाता है। तो ये हमारे होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। देन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो आपको बताना है कि जो पिट्यूटरी है वो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, हम उसे क्यों कहते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि आंसर इसका, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल द एक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्लैंड, को जितने भी ग्लैंड आते होते हैं उसके एक्शन को कंट्रोल करते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इट रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड लाइक ग्रोथ हार्मोन, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, इसको भी अब कौन रेगुलेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम थायरॉइड ग्लैंड। फिर हमारे आते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोकॉर्टिक हार्मोन, तो इसका जो सिक्रीशन होता है वो होता है फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस, तो ये भी हमारे सारे कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी के द्वारा। तो इसी वजह से हमारे पिट्यूटरी को हम एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, तो आपको न्यूरोन को स्ट्रक्चर बताने हैं और इसके फंक्शन को बताने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लीजिए, आपको न्यूरोन का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है डायग्राम, कि यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं, फिर सेल बॉडी दिख रहे हैं, एक्सोन दिख रहे हैं और आपके नर्व एंडिंग दिख रहे हैं और डेंड्रोइड्स दिख रहे हैं, ओके। तो एक अगर हम न्यूरोन के जो मेनली आपके 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्रोइड्स और एक्सोन, तो जो हमारे डेंड्रोइड्स होते हैं पिकअप द नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड देन पास द इम्पल्स टू द सेल बॉडी, जो पूरे सेल बॉडी को पास करते हैं और उसके बाद हमारे क्या करते हैं, अलॉन्ग द एक्सोन, और जो एक्सोन होते हैं वो पासेस द इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन, जो एक्सोन होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन को पास करते हैं थ्रू ए जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स, एक जंक्शन से पास करते हैं उसे हम कहते हैं साइनेप्स कहते हैं, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में। फोर्थ के बाद हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाउ डज आर बॉडी रिस्पॉन्ड
व्हेन एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, कि हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है जब उसमें क्या कहता है कि ब्लड में सिक्रेट किया जाता है एड्रेनालाइन को। ओके, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब एड्रेनालाइन को सिक्रेट किया जाता है ब्लड में तो क्या करती है, हमारी जो बॉडी होती है वो प्रिपेयर करती है एक्शन के लिए। ओके, फिर इसके साथ हमारे क्या होते हैं कि इट स्पीड अप हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को बढ़ा देती है, ब्रीथिंग को बढ़ा देती है और खास करके ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देती है। एंड अलाउज मोर ग्लूकोज टू गो इन टू द ब्लड, और क्या करती है कि ये अलाउ करती है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में जा सके, टू गिव अस ए लॉट ऑफ एनर्जी, ताकि हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सके और हम फाइट कर सके। ओके, अबे फॉर्म फ्राइटनिंग सिचुएशन। ओके, तो जब जो भी आपके ब्लड सप्लाई होते हैं वो डिक्रीज होते हैं फ्रॉम द स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंक्रीज टू स्केलेटल मसल, ऑल देयर कंडीशन हेल्प टू इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड द इमरजेंसी सिचुएशन। तो जितने भी कंडीशन होते हैं वो ज़्यादातर आपके इमरजेंसी सिचुएशंस में होते हैं। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आई थिंक 2013-2014 में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी याद करके जाना है ताकि आपके जब भी एग्जाम में आए तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को लिख सको कि जो भी हमारे ब्लड में जब एड्रेनालिन रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी उसमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि वेयर आर पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेटा लोकेटेड, राइट देयर फंक्शन, कि पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेटा कहाँ एसोसिएटेड होते हैं और इसके क्या फंक्शन है। तो अगर हम आंसर देखें तो पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेटा जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं आपके हिंड ब्रेन में। पोन्स का जो फंक्शन है एक्ट एज ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जो पोन्स है वो एक ब्रिज की तरह वर्क करती है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के बीच में होती है। और जो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है तो इट इज़ रिफ्लेक्स सेंटर टू कंट्रोल एक्टिविटीज, ये एक तरह से रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं सेलिवेशन को, स्वेलिंग को, वॉमिटिंग को, ब्रीथिंग को, कफिंग को, स्नीजिंग को एंड हार्ट बीट को। ओके, और इट ऑल्सो कंट्रोल स्लीप कंसिसनेस एंड एक्टिविटीज ऑफ सेरेब्रम, और ये हमारी जो नींद है उसे भी कंट्रोल करती है और कंसिसनेस को भी कंट्रोल करती है और जो भी आपके सेरेब्रम के जो एक्टिविटीज होती हैं उसे भी कंट्रोल करते हैं, कौन, मेडुला ऑब्लिगेटा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सेवंथ क्वेश्चन है कि नेम द डिफरेंट लोब्स ऑफ सेरेब्रम, तो आपको सेरेब्रम में जितने भी लोब्स हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो जो भी आपके डिफरेंट लोब्स होते हैं तो आपके यहाँ यहाँ पे फोर की बात कर रहे हैं, एक होते हैं फ्रंटल लोब, एक पेरिएटल, एक ऑक्यूपिटल और एक टेम्पोरल। तो सबसे पहले जो फ्रंटल लोब होते हैं इट इज एसोसिएटेड विद रीजनिंग, तो रीजनिंग्स के साथ एसोसिएट करती है। और पेरिएटल की अगर हम बात करें तो परसेप्शन ऑफ जनरल सेंसेशंस लाइक प्रेशर, टच एंड पेन को आपको कौन करती है, पेरेटल करती है, जो कि आपके सेरेब्रम के ही लोब होते हैं। जो सी है वो ऑक्यूपिटल होता है जो कि विजुअल परसेप्शंस में आपके फंक्शंस करते हैं। और जो आपका डी है वो टेम्पोरल है, तो ये आपके इंपॉर्टेंस होते हैं साउंड के सुनने के लिए एंड द लैंग्वेज वी हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी जो बनाती है वो आपकी बनाती है टेम्पोरल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ फोटोट्रोपिज्म डज अकर इन प्लांट, किस तरह से आपके प्लांट में फोटोट्रोपिज्म पाए जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, तो फोटोट्रोपिज्म का यही मतलब होता है कि जो भी आपके सूट्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, टर्न कर जाते हैं जिस जहाँ से लाइट आती है। और दिस ये जो मूवमेंट होती है वो होती है क्योंकि ज़्यादा हमारी ग्रोथ हो जाती है सेल की टुवर्ड द शेडेड साइड ऑफ द सूट एज कम्पेयर टू साइड ऑफ सूट टुवर्ड द लाइट, कि लाइट के कंपेयर में उस तरफ हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो मोर ग्रोथ ऑफ सेल इज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो ज़्यादा जो ग्रोथ होती है उस सेल की वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन सिक्रीट होता है टुवर्ड द शेडेड साइड, जो भी आपके शेडेड साइड्स होते हैं उस तरफ। ओके, देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ऑन टचिंग ए हॉट प्लेट यू सडनली विदड्रॉ योर हैंड्स, कि जब भी आप हॉट प्लेट को टच करते हैं तो आप तुरंत ही अपने हाथ को हटा लेते हैं। विच कैटेगरी ऑफ न्यूरॉन बिकॉज एक्टिव फर्स्ट एंड विच वन नेक्स्ट, कि कौन सा पहले एक्टिव होगा और कौन सा उसके बाद। तो इसका आंसर है कि ऑन टचिंग ए हॉट प्लेट, जब भी आप हॉट प्लेट को टच करते हैं तो पहले हमारे जो भी आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें विच टेक द इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन ऑन स्पाइनल कोड, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ब्रेन को कहाँ पर, स्पाइनल कोड को। फिर नेक्स्ट द मोटर न्यूरॉन बिकम्स एक्टिव एंड ब्रिंग द इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू मसल, फिर हमारे क्या होता है कि हमारे मसल के पास आ जाते हैं। तो इन रिसीविंग दीज इम्पल्स, और जब भी हमारे इम्पल्स रिसीव होते हैं तो हमारे जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हैंड जो है वो इमिडिएटली वहाँ से रिमूव्ड हो जाती है। ओके, देन जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज एडवाइजेबल, या जो भी आपके नमक होते हैं उसमें आयोडाइज नमक आपको क्यों एडवाइज़ किए जाते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें कि सबसे पहले इसमें बात आती है मेनली थायरॉयड ग्लैंड की, तो आयोडीन जो है वो बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है थायरॉयड ग्लैंड को टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन को बना सके।
और जो हमारे आयोडाइज सॉल्ट होते हैं वो हमारे क्या प्रोवाइड करते हैं, आयोडीन नीडेड बाय थायरॉइड ग्लैंड टू मेक सफिशिएंट थायरोक्सिन फॉर आर बॉडी, ताकि हमारे बॉडी के लिए प्रॉपर थायरोक्सिन बना सके। तो द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट प्रिवेंट रिस्क ऑफ गोइटर, तो आपको क्या होता है कि घेंगा नामक रोग को आयोडाइज सॉल्ट होते हैं वो रोकते हैं। ओके, देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटिक ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, कि हम क्यों जब भी अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो हम उसे इंसुलिन की हम इनसे इंजेक्शन क्यों देते हैं। तो अगर हम बात करें इंसुलिन हार्मोन की, तो इंसुलिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, तो आपको पता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो पैनक्रियाज द्वारा सिक्रेट होता है, जो कि रेगुलेट करती है ब्लड शुगर लेवल को ब्लड के अंदर, कि ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो उसे कौन से कंट्रोल करती है, इंसुलिन। तो इन डायबिटिक पेशेंट इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन रिक्वायर्ड अमाउंट, तो डायबिटिक में जो भी पेशेंट होते हैं उसमें रिक्वायर अमाउंट में मतलब प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होते हैं, देयरफॉर ब्लड शुगर लेवल राइजेस एंड कॉज वेरियस हार्मफुल इफेक्ट, जिस कारण जो भी आपका ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाते हैं, उसके कारण बहुत ही बीमारियाँ हो जाती है। सो टू प्रिवेंट दिस इफेक्ट, अगर हम इस इफेक्ट को रोकने के लिए सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज आर ट्रीटेड बाई गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, इसलिए अगर किसी पेशेंट को इस तरह की हमारी डिजीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि हम उसे डायबिटीज से हम उसे बचा सकें। ओके, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। तो अगर हम इसे बात करें कि ए रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली, तो रिफ्लेक्स एक्शन उसे कहते हैं जो कि हम ऑटोमेटिक ही परफॉर्म करते हैं। द सेंसरी एंड मोटर नर्व्स मीट एट ए पॉइंट इन ए स्पाइनल कोड, तो स्पाइनल कोड में सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आपके मिलते हैं ऑन देयर वे टू ब्रेन, दस द इन्फॉर्मेशन थ्रू सेंसरी नर्व्स गोज टू द ब्रेन, तो जो है आपके सेंसरी नर्व से आपके जो इन्फॉर्मेशन आती है वो डायरेक्ट जाती है ब्रेन के पास, वेयर थिंकिंग प्रोसेस अगर जहाँ पे पूरी जो थिंकिंग की प्रोसेस होती है। बट इफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज इंस्टेंट, अगर रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत होए तो वेयर थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, जहाँ पे थिंकिंग आपके इन्वॉल्व नहीं हो जाती है, तो देन द ब्रेन हैज़ नो रोल, तो वहाँ पर ब्रेन का कोई भी फंक्शन नहीं होगा। तो ओके, तो ये हमारे रोल ऑफ ब्रेन था इन रिफ्लेक्स एक्शन, कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कौन से आपके ब्रेन के फंक्शन है, तो आपके यही एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपको कंपेयर करना है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम को। तो पहले हम नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो नर्वस सिस्टम आपके न्यूरॉन के बने होते हैं, और जो नर्वस सिस्टम अगर हार्मोनल सिस्टम की बात करें तो आपके सेक्रेटरी सेल से बने होते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे क्या होते हैं, मैसेज ट्रांसमिट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, लेकिन हार्मोनल सिस्टम में जो मैसेज ट्रांसपोर्ट होती है वो केमिकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। नर्वस सिस्टम के अंदर मैसेज ट्रांसमिटेड अलॉन्ग नर्व फाइबर, तो नर्व फाइबर से होती है, लेकिन जो हार्मोनल सिस्टम में जो मैसेज ट्रांसफर होती है वो ब्लड के थ्रू होती है। नर्वस सिस्टम में जो मैसेज ट्रैवल होती है वो बहुत ही क्विकली होती है, लेकिन हार्मोनल सिस्टम में जो मैसेज ट्रैवल की बहुत स्लो होती है। ओके, तो नर्वस सिस्टम की अगर बात नेक्स्ट बात करें कि इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट। ओके, लेकिन अगर हार्मोनल की बात करें तो आपके लास्ट लेकिन लॉन्गर के लिए आपके एक तरह से इंफॉर्मेशन जाती है। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंस ऑर्गन आर रिसेप्टर एज नर्व्स सेल्स लोकेटेड इन देम रिसीव इन्फॉर्मेशन, लेकिन हार्मोनल सिस्टम में जो ग्लैंड्स होते हैं वो आपके इफेक्टर्स होते हैं जो कि आपके सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, और जो कि आपके क्या होते हैं, वेन द ब्रेन कमांड, जब भी आपको ब्रेन को एक कमांड मिलती है तभी हार्मोनल सिस्टम में से केमिकल्स निकलते हैं। ओके, तो ये आपका कंपेयर था किसके बीच में, नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल के बीच में, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि मेंशन वन फंक्शन फॉर थायरोक्सिन इंसुलिन एड्रेनलिन ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन, तो इसके आपके फंक्शन बताने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थायरोक्सिन के, तो ये सिंपल सा इसका फंक्शन ये होता है कि कंट्रोल करती है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ बॉडी के, ओवरऑल जितने आपके मेटाबॉलिज्म रेट होते हैं उसको कंट्रोल करती है थायरोक्सिन। इंसुलिन का फंक्शन होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स में, और ये डिक्रीज करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी। और जो थर्ड एड्रेनलिन, इसका जो फंक्शन है वो इंक्रीज करती है हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को और ब्लड ग्लूकोज लेवल को। जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज ग्रोथ हार्मोन, इसका फंक्शन है बॉडी ग्रोथ का एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स में, और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड सेंड और हमारे जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मोस्टिस बियर्ड एंड वॉइस। तो ये हमारे किसका फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन है। तो हमने पाँचों के फंक्शन देख लिए हैं। ओके,
तो नेक्स्ट और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ फॉर द टेंडिल अराउंड ए सपोर्ट। ओके, तो इसका आंसर है कि जब भी आपके टेंडिल जो है वो कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी भी सपोर्ट के, तो जो है आपके टेंडिल के पार्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज पार्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ऑक्सिन्स के कारण, जो कि ऑक्सिन सिक्रीट करती है। ओके, इसके कारण वो मूव्स अवे हो जाती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके कारण हमारे क्या होता है कि दिस रैपिड ग्रोथ ऑन वन साइड कॉज टेंडिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, इसी कारण हमारे जो क्या होते हैं वो सर्कल हो जाते हैं अराउंड द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने। ओके, तो ये हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर कोई भी आपके चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उसे तुरंत क्लिक करके बहुत जल्दी देख पाएंगे, और अगर आप जल्दी देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और आपको एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। और इसके साथ आपको जिसके जो प्रीवियस ईयर के प्रीवियस चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके आप उनको भी एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उनसे आपको फ़ायदा ही होगा, आपके कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर बढ़ेंगे बोर्ड में। ओके, थैंक यू।